सी न्यूज की बेटी बचाओ मुहिम 5 साल से चल रही है, अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आ रही है। इस मामले पर स्कूल की छात्राओं ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में। बेटी बचाओ मुहिम सी न्यूज ने आज से 5 साल पहले शुरू की थी, तब से ये अभियान पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कहीं चल रहा हो। सी न्यूज ने इस मुहिम की शुरुआत 15 अगस्त 2013 से की। इस सिलसिले में सी न्यूज की टीम ने स्कूल की छात्राओं से जानने की कोशिश की कि आखिर बेटियों को कैसे बचाया जाए, उन्हें कैसे सम्मान दिलाया जाए। समाज में आजकल लोग लड़कों की ज्यादा इच्छा रखते हैं, इसलिए लड़कियों को मार दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही आजकल आप देख सकते हैं कि समाज में लड़के कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए लड़कियों को कभी भी मानना नहीं चाहिए। बेटों के मामले में लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं करेंगी, पर लड़कियां लड़कों से ज़्यादा करती हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं करती हैं। थैंक यू। कैसे बचाई जाए लड़कियां? लड़कियों को क्या लगता है पेरेंट्स को? पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं करेंगी, लड़के ही करेंगे, पर लड़कियां ही कुछ बनकर दिखाती हैं। सुरक्षा और लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए और लड़कों की नहीं। हाँ, आजकल जो मम्मी पापा ने जो दिया है सब कुछ मुझे, मतलब बेटियों को ही दिया है, क्योंकि बेटे तो होते ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, बस बेटियाँ ही होती हैं जिसको बचाना है, और इस वजह से बचाते हैं क्योंकि उनको आगे पढ़ाई भी करनी होती है। बेटियों के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी खराब है। यूपी में अगर महिला पुरुष की तुलना की जाए तो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या महज 908 है, जो काफी कम है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दहेज, सुरक्षा और अशिक्षा, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ रहा है। छात्राओं की क्या राय है, आइए जानते हैं। आजकल जो इतने केसेस हो रहे हैं, रेपिंग केसेस न्यूज़पेपर भरे पड़े हुए हैं, इस चक्कर में जो वो समाज में देखते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, इस चक्कर में वो बहुत टेंस रहते हैं लड़कियों को लेकर, इसीलिए उनको रात में जाना, वो भी तो हमारे पेरेंट्स भी रुकट भी करते हैं क्योंकि उनको पता है क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा कड़े कदम उठाने चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए। मेन चीज़ ये है, एक लड़की को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप में उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर वो कहीं अकेले जाए या कहीं पर भी जाए, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो लोगों का सामना कर सके, क्योंकि लड़की अपने अंदर ही सुरक्षा कर सकती है, लड़की की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। पेरेंट्स भी हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई टॉर्चर कर रहा है, तो आपको उस चीज से लड़ना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, ना कि डर के घर में बैठ जाना। सी न्यूज की मुहिम के 2 साल बाद भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए 22 जुलाई 2015 से हरियाणा के सोनीपत से इसकी शुरुआत की। अब ये अभियान तेजी के साथ पूरे देश में फैल चुका है, हर तरफ बेटियों को बचाने के लिए मुहिम चल रही है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट। यूपी सरकार ने जिस सख्ती के साथ एग्जाम कराया था उससे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम भी आया। हालांकि जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने ही एग्जाम छोड़ दिया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा का परिणाम रविवार को घोषित हो गया। परीक्षा का परिणाम जितना बुरा सोचा जा रहा था उतना बुरा नहीं आया। सरकार ने सख्ती ठीक की, इसमें पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे ही आगे आए, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का ग्राफ उठाकर देखा जाए तो नकल माफियाओं ने पूरे बोर्ड पर कब्जा कर रखा था। लेकिन इस साल सरकार की सख्ती के बावजूद भी जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें कई प्रतिशत की सफलता मिली है। हालांकि इस बारे में बैजंती देवी इंटर कॉलेज के डायरेक्टर नीतेश शर्मा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। शासन ने जो सख्ती की थी, सख्ती का असर तो हमें उसी समय दिख गया था जो 25% स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, लेकिन अब वही बच्चे रह गए जिन्होंने एग्ज़ाम को पास करना है, इसलिए लगभग यूपी का रिजल्ट 75% आया है और हमारे विद्यालय का रिजल्ट भी 100% हाई स्कूल का रहा है और इंटर का 99% रहा है। अगर सरकार की सख्ती रहेगी तो आने वाले समय में बच्चे पढ़ने लगेंगे। अभी तो काफी प्रतिशत बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, वो सिर्फ आवारा गर्दी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बात सामने आती है तो माफियाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, फिर शुरू होता है नकल का खेल। लेकिन योगी सरकार ने इस बार नकल माफियाओं पर सख्ती कर नकल पर काफी हद तक रोक लगा दी। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।